तो चलिए आज बात करते हैं नंबर सिस्टम के उस फ्रीक्वेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिससे क्वेश्चन आना लगभग लगभग तय होता है, चाहे ग्रुप डी की में 2016 की बात की जाए, चाहे 2018 की या फिर 2022 की। क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा, 16 में भी आया था, 19 में भी आया था, साथ साथ 18 में भी आया था। साथ साथ अगर बात करें कि रेलवे के किसी एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम होता है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, तो जी नहीं, चाहे आप एनटीपीसी उठा के देख लीजिए, आरपीएफ कॉन्स्टेबल उठा के देख लीजिए, एएलपी उठा के देख लीजिए, जेई उठा के देख लीजिए, सारे में क्वेश्चन इस टॉपिक से, नंबर सिस्टम के इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है नंबर्स ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। इस पर कुल मिला के अगर देखें, मैं आपको बताऊं तो 12 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसको फॉर्मूले सहित मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और पाठशाला रेलवे एग्जाम के भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक, अब अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि इसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो फॉर्म होनी चाहिए ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एन मल्टीप्लाई सी की पावर पी। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए बी सी कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब ए बी और सी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। और नीचे मैंने एम एन पी के भी मान लिख दिया, जैसे 2 की घात 2 हो जाएगा, फॉर्म आप देखिएगा, 2 की घात 2 हो गया, 3 की घात 2 हो गया और 3 की घात 3 हो गया। और अगर मैं बात करूँ सी, तो सी कितना है? 5। पावर कितनी है? 2, 5 की घात 2। आपको किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में बनाना होगा। इस फॉर्मेट में बनाने के बाद इन रूल्स को अप्लाई करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, 2 सेकंड के अंतराल में आप उसका जो है आंसर निकालने की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, आप इसको एक बार अच्छे से स्टडी करिएगा, यहाँ पर मैंने सारी बातें लिखी हैं, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मैं पहले क्वेश्चन पर आया और इसमें पूछा गया संख्या 4840 के कितने गुणक हैं। अब आपको समझना है कि 4840 को आप कितनी जल्दी से छोटी फॉर्म में तोड़ सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिखिए कि 484 × 10 हो जाएगा। 484 वर्ग होता है 22 का, 22 का वर्ग, और 10 को आपने लिख लिया 2 × 5। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 × 5, 22 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 11 का होल स्क्वायर गुणे 2 × 5, ये लिखा। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 आ जाएगा, 2 की घात 1 यहाँ है, तो 2 की पावर कितनी मिल जाएगी? 3। इसकी बात करें तो 11 की घात 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बात करें तो 5 की घात 1 मिल जाएगा। यानी ये उसी फॉर्मेट में बदल गया। अब आप देखिए 2, 11 और 5 जो है ना अभाज्य संख्या है। यहाँ पर पूछ रहा है कितने गुणक है, कितने गुणक का मतलब होता है कुल फैक्टर कितने। तो जितनी भी पावर होती है, पावर में 1 बढ़ाकर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 1 = 4 हो गया, 2 और 1 = 3 हो गया, और 1 + 1 = 2 हो गया। इनका गुणा करिए, 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 24, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणकों की संख्या कितनी होगी? 24। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक, एक आध क्वेश्चन आपको और समझाता हूं इसी पर बेस्ड। जैसे यहां पे कह रहा है 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 72 को क्या लिखा गया? 8 × 9। अब मैं 8 को लिख रहा हूं 2 की घात 3, और 9 को लिखा मैंने 3 की घात 2, 3 की पावर 2। अब देखिए ये अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या, आपको जो आधार है ना उसको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपको करना होगा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, पावर 1 बढ़ानी है तो 4 हो गई, पावर 1 बढ़ानी है तो 3 हो गया, 4 × 12, यानी कि 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है 4000 के कितने गुणक। आप ये देख रहे हैं कि ये परीक्षाओं में अव्यय प्रश्न है। इससे पहले वाले जो दो प्रश्नों की बात करें, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको लिया था। ये वाला प्रश्न भी आपका ग्रुप डी में आया हुआ है, शिफ्ट और तारीख दोनों लिखी है। ठीक है, इस पर आते हैं 4000 के गुणकों की संख्या कितनी है। 4000 को मैंने लिखा 2 की घात 2, क्या लिखा मैंने? 2 की घात 2, और बाकी बचा 1000, उसको मैंने लिख लिया 10 की पावर 3। ठीक, 2 की पावर 2 एज इट इज बना रहा, 10 को मैंने लिखा 2 × 5, पावर में 3 है, तो 2 की पावर 3 ये 2, ये यानी 2 की घात कितनी आएगी? 5, गुणे में 5 की पावर 3। कुल गुणकों की संख्या पूछा था, 5 में 1 बढ़ाएंगे 6, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, दोनों का गुणा करेंगे तो इसके कुल गुणकों की संख्या होगी 24। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड्स में आप आंसर दे सकते हो। अगर आप जितने भी 12 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको आप एक बार ढंग से पढ़कर रिविजन कर लेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न जो कि गुणनखंड पर आधारित है कि नंबर ऑफ गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, योग क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, कितने गुणज ऐसे हैं जो कि कंप्लीट स्क्वायर होंगे, कितने गुणज ऐसे हैं जो कंप्लीट क्यूब होंगे, ऐसा कोई भी प्रश्न होगा, मैंने आपको बताया 12 प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। और एक बार आप पहली वाली शीट पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए देखिए कितनी बढ़िया क्वेश्चन आ गया।
72 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 3 से डिवाइज होंगे। अब आप समझना, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना होगा, 72 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से डिवाइड होंगे, तो आपको इस 72 में सबसे पहला काम क्या करना है, जिससे डिवाइड होने की बात की जा रही, ये चाहे 3 होगा, इसकी जगह 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, तो आप उस संख्या को जिससे डिवाइड होने की बात की जा रही है दी हुई संख्या में से हटा लो। कैसे हटाएंगे, 72 को लिख सकते हो 24 गुणे 3 लिख सकते हो। अगर यहाँ 5 होता तो मैं इसको 5 में लिखता, अगर 2 होता तो 2 में लिखता, अगर 7 होता तो 7 में लिखता, ठीक। तो इस 3 पर आपका फोकस खत्म। अब बचा जो 24, इस 24 के फैक्टर कर लो जैसे आप करते हो। 24 को आप क्या लिखोगे, 6 गुणे 4, 6 को लिखा 2 गुणे 3, 4 को लिखा 2 की घात 2, ये 24 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 2 और 1 यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब फिर से आपको वही काम करना है, घात में 1 बढ़ाइए, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, यानी आप ये कह सकते हो 72 के 8 गुणनखंड ऐसे होंगे जो कि 3 से डिवाइड होंगे। किसी बच्चे को अगर कोई संदेह पड़ता है कि सर ये थोड़ी सी चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे 72 के गुणन लिखिए, फैक्टर लिखिए जो डिवाइड होते हैं, टोटल फैक्टर कितने होंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24, 36 और खुद 72। अब देखिए टोटल फैक्टर कितने बने हैं इसके, टोटल फैक्टर देखें तो मैं 4, 4, 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये कोई छूट रहा है क्या, 18 छूट रहा है, 12 के बाद 18 छूट रहा है, यानी कि टोटल 12 फैक्टर बनेंगे जो कि 72 को डिवाइड करेंगे। अब मुझे इसमें देखना था 3 वाले, तो ये खत्म, 3 से ये डिवाइड नहीं होता, ये खत्म और उसके बाद मान लीजिए बाकी सारे हैं। अब बाकी सारों में 4 अगर खत्म हो गए 12 में से, तो बचे कितने होंगे, 8। वही आंसर यहाँ पर आया है कि 8 ऐसे फैक्टर होंगे जो कि 3 से डिवाइड होंगे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस संख्या से डिवीजन की बात की जाए उसको आप बाहर निकाल लीजिए पूरे से। ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, आपको तकलीफ नहीं आएगी कोई भी। चलिए इस सवाल को देखते हैं, 2 की घात 10, 3 की घात 6, 5 की पावर 3, 7 की पावर 5 में कितने गुणक होंगे जो 2160 से डिवाइड होंगे। अब 2160 की बारी आ गई, एक बड़ी संख्या आ गई, छोटी संख्या करने में कोई समस्या नहीं है, बड़ी संख्या करने में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिएगा 2 की पावर 10 सवाल लिख रहा हूं, 2 की पावर 10, 3 की पावर 6, उसके साथ है 5 की पावर 3 और उसके साथ है 7 की पावर 5। अब इसमें किससे डिवाइड होने वाले गुणक देखने बोले सर 2160 से, 2160 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हम लिखेंगे, देखो ये लिखा है 216, 6 का क्यूब होता है और गुणे में 10 लिख लीजिए। 6 को हमने लिखा 2 गुणे 3, ऊपर पावर 3 है, 10 को मैंने लिख लिया 2 गुणे 5। अब देखिए जरा 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 1 यानी 2 की घात 4 हो गया, गुणे 3 की पावर 3 ये हो जाएगा और ये हो गया 5 की घात 1। अब इसको आप इस टोटल से निकाल दीजिए, कैसे निकलेगा भाई, 2 की घात 10 में से अगर मैं 2 की घात 4 हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 की घात 6। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या बचेगा मेरे पास, 2 की पावर 6। 3 की घात 6 में से 3 की घात 3 हटा दीजिए तो 3 के पावर 3 बचेगा, 5 की घात 3 में से 5 की पावर 1 हटाइए तो 5 का पावर 2 बचेगा। अब 7 तो यहाँ था नहीं, यानी कि 7 ये पूरा बचा रहेगा। अब जो भी पावर आई है आपको क्या करना है, 1 जोड़कर गुणा कर लेना है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 6, ये हो जाएगा। अब आप देखो आपका उत्तर आ गया, क्या आ गया, 7 चौक 28, 28 गुणे 3 84, 84 गुणे 6, और 84 गुणे जब 6 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आखिरी में इकाई में आ जाएगा 4, यानी कि ये बन जाएगा 504। तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 504। बोलिए क्लियर है क्या, बहुत गजब के सवाल है, ठीक है, चुनिंदा सवाल आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी में आए हुए हैं, इसमें से इसके गुणक कितने होंगे। चलिए अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 1440 को हमने लिखा 12 का स्क्वायर गुणे 10, ऐसे लिख सकते हो ना, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ इधर पे, ठीक, इसको मैंने लिखा 12 का स्क्वायर गुणे 10। अब 12 को मैंने क्या लिखा है, 12 को बोले 3 गुणे 4 यानी 2 की घात 2 गुणे 3 हम लिख सकते हैं 12 को, पावर ऑलरेडी कितनी थी 2, 10 को मैंने लिखा 2 गुणे में 5, तो 2 की घात 2 ये और 2 इधर हो जाएगा 4 और 1 5, यानी 2 की घात 5 आ जाएगा, 3 की घात 2 रहेगा और 5 की घात 1 रहेगा। बोलो ठीक है क्या, बोले हाँ सर। इसमें से टोटल में से इसको माइनस करना है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि जो हमारे पास टोटल दिया है क्या उसमें सारे नीचे प्राइम नंबर है, ये छोटी सी गलती होने की संभावना थी, तो आप देख पा रहे हो ये 10 प्राइम नंबर नहीं है, इसको जब ब्रेक करोगे तो 2 गुणे 5 में ब्रेक करोगे, पावर कितना था 4,
यानी कि 2 की घात 4 और 5 की घात 4 यहाँ पर मिलेगा आपको। 2 की घात 4 ये, 2 की घात 8 ये, कितना बन जाएगा 2 की घात 12। बहुत ध्यान से देखिएगा जो टोटल बन रहा है। 3 की घात 6, 3 में कुछ नहीं करना है, 3 की घात 6 ऑलरेडी लिख दीजिए गुणे। 5 की घात 2 ये, 5 की घात 4 ये, तो ये बना 5 की घात 4 और 2 6। उसके बाद अपने पास था क्या, 10, हाँ इतना बन गया। अब इस ब्लू वाले में से ऊपर को घटाना है, 2 की घात 12 में से 5 हट जाएगा तो 2 की पावर 7 रहेगा, 3 की पावर 6 में से 2 हट गया 3 की पावर 4 बचा, 5 की पावर 6 में से 1 हट गया 5 की पावर 5 बचा। अब क्या है, जो घात आई है उसमें से 1 जोड़कर सबका गुणा, तो 7 और 1 8, 4 और 1 5 और 5 और 1 6 गुणा, 8 पंच 40, 40 गुणे 6 240, आपका आंसर क्या हो गया 240। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। कह रहा है कितने गुणांक समसंख्या है, अब इस चीज को देखना, जब बात करता है ना समसंख्याओं की, किसकी बात करता है समसंख्याओं की, यानी आपको सम गुणांकों की संख्या निकालनी है, इवन फैक्टर निकालने हैं, सम गुणांकों की या सम गुणजों की संख्या निकालनी है। तो इसमें जो 2 के मल्टीपल वाला आपको दिख रहा है ना, 2 के मल्टीपल में, उसमें आपको कोई पावर जोड़नी नहीं है, बाकी जितनी बेस ऑड है उसमें जोड़कर लिखोगे। अब जैसे 2 की पावर 8 लिखी थी, हम लोग क्या करते थे पावर में 1 जोड़ देते थे, लेकिन मुझे सम की पावर चाहिए, जितने भी सम गुणांक है, तो अब इसमें पावर नहीं जोड़ोगे, इसको 8 का पूरा 8 लिख दोगे, बाकी सब में 1-1 जोड़कर आगे लिख देना है। 3 की घात 2 था तो 3 लिख दिया, यहाँ पावर 3 थी तो 4 लिख दिया, आगे पावर 5 थी तो 6 लिख दिया। बस आप बात समझो, 8 3 24, 6 चौकों 24, 24 गुणे 24, 576, यानी कि यहाँ पर सम गुणांकों की संख्या कितनी होगी, सम गुणजों की संख्या क्या होगी, 576, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। मेरी बात समझे क्या करना है सभी को, सम पूर्णांकों में जो 2 से कटने वाली संख्या है, जिसका बेस 2 से कट रहा है, जिसका आधार 2 से कट रहा है, उसकी पावर में छेड़छाड़ नहीं करनी है, एज इट इज लिख देना है, बाकी जितने विषम आधार हैं उनमें पावर 1-1 बढ़ा के आगे लिखना है। ठीक, ये बात मैंने पहली स्लाइड में फॉर्मूले के रूप में लिख दी है। अब विषम वाले में क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा, विषम वाले में आपको, गौर से सुनिएगा, जितने भी सम नंबर यानी 2 के मल्टीपल आधार वाले हैं, विषम गुणांकों की संख्या निकालते समय हर वो संख्या जो कि जिसमें आधार 2 से डिवाइड होने वाला है उसको आप पूरा काट दोगे, मतलब 2 की घात 9 को छोड़ना ही नहीं है, बाकी सब में पावर बढ़ा के लिख दो। तो 5 थी 6 लिख दिया, 4 थी 5 लिख दिया और 6 थी तो 7 लिख दिया, तो 6 5 30, 30 गुणे 7 210, तो यहाँ पर विषम पूर्णांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 210, इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, इस चीज को समझना, होता क्या ना इस सवाल को जब आदमी करता है तो उसको बड़ी समस्या होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो उसको उसी फॉर्मेट में तोड़ लो, यानी कि ये 27 का वर्ग लिखा है, 729 मतलब 27 का वर्ग। अब ध्यान से सुनिएगा सर, सभी लोग प्लीज ध्यान से, 27 को मैंने लिखा 3 की पावर 3 और ऊपर पावर 2 थी, यानी ये हो गया 3 की पावर 6। अब आपको क्या करना है, जब इस फॉर्मेट में टूट गया ये आंसर कैसे आएगा, जितनी भी पावर लगी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी पावर लगी है उसको 2 से डिवाइड करिए, जो भी क्वेश्चन आएगा यानी कि जो भी भागफल आएगा उस भागफल में 1 जोड़िए, वही आपका उत्तर है। ठीक, जैसे यहां पर लिखा था पावर कितनी 6, 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, भागफल कितना आया 3, 3 में 1 जोड़िए, यानी कि यहां पर अगर पूर्ण वर्ग जो गुणांक होंगे उनकी संख्या कितनी मिलेगी, 4। बोले ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यहां पर पावर 7 होती, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि पावर 9 होती, तो पावर 9 होती तो भी हम 2 से डिवाइड करते, पूरा कितनी बार जाता, 2 चौको 8, शेषफल क्या बच रहा है, कोई मतलब नहीं, मैंने बोला क्वेश्चन निकालकर भागफल निकालकर उसमें 1 जोड़ दीजिए, बात समझे। तो अगर पावर 9 होती तो 2 की घात 2 से डिवाइड करते कितनी बार जाता, 4 बार, उसमें 1 जोड़ देते, तब इसमें जो पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी आती, पूर्ण वर्ग गुणांकों की संख्या कितनी आती, 5। मेरी बात समझ पाए सभी लोग, पहली शीट पहली स्लाइड सारी चीजें उसमें लिखी हैं, क्लियर है ना मेरी बात। पूर्ण घन में क्या करना है, जब पूर्ण घन की बात हो तो 3 पावर को 3 से डिवाइड करके क्वेश्चन में 1 जोड़ना है, जब पूर्ण घन की बात हो तो जो भी पावर होगी उसको 3 डिवाइड करिए, जो क्वेश्चन आएगा उसमें 1 जोड़कर लिखते चलिए, बात समझ पाई, क्यू फॉर क्वेश्चन यानी कि भागफल। देखिए यहां पर पावर कितनी है, बोले सर यहां पावर 10 है, 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, बोले सर 3 बार जाएगा, मैंने 1 जोड़ा यानी कि 4 आ गया। ठीक, आगे बात करते हैं,
फिर देखिए पावर कितनी है, सात। सात को फिर आप तीन से डिवाइड करेंगे, घन की बात होती है। कितनी बार गया? बोले सर तीन दूनी छह बार गया। मैंने कहा जितनी बार गया उसमें एक जोड़ी आगे लिख दीजिए, तीन लिख दिया। फिर आगे बात करते हैं, पावर तीन है, तीन को तीन से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, भागफल कितना आएगा, एक। एक में एक जोड़िए कितना आएगा, दो, दो लिख दिया। फिर उसके बाद पावर पांच है, पांच को भी आप तीन से डिवीजन करिए, कितनी बार गया, बोले सर एक बार गया, एक जोड़िए आगे लिख दीजिए, दो आ जाएगा। ठीक, सबका गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। चार थे 12, 12 दूनी 24, दूनी 48, यानी कि इसमें अगर बोला जाए तो 48 पूर्ण घन इसके गुणांक होंगे। इसमें 48 गुणा कैसे होंगे जो पूर्ण घन होंगे, क्लियर है? सबसे सरल तरीके से, सबसे इजी मेथड से मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सबसे सरल तरीके होते हैं इन सवालों को करने के, ठीक है? सबसे सरल तरीके, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, चीज ना समझ में आए वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर से पूछ लिया पूर्ण घन कितने होंगे, तो जब पूर्ण घन की बात आई तो फिर हमें वही प्रोसेस करना है। पावर 13 है, तीन से डिवाइड करेंगे, तीन चौको 12, चार में एक जोड़ा पांच, पांच है, तीन एकम तीन दो, तीन है, तीन एकम तीन दो, छह है, तीन दूनी छह, दो और एक तीन, पांच दूनी दस, दस दूनी बीस, बीस तिहाई 60, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे सवालों को मात्र मात्र आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। आपको जो चीज नहीं समझ में आई, पहली स्लाइड देखिएगा, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, प्लस उसके साथ साथ एक बार वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखिएगा, ताकि जिसमें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो चीजें आपको समझ में आए। सर्वाधिक भाजक है, मतलब कि जिसके सबसे ज्यादा गुणनखंड है। गुणनखंड करना मतलब एक आपको भाजक के रूप में भी देगा, कि भाजक शब्द का भी इस्तेमाल कर देगा, तो सवाल कोई नया नहीं, सवाल सेम रहेगा। भाजक किसके, तो 157 जैसा लिखा है, तो 157 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 39 दूनी 78, 78 दूनी क्या होता है 156, यानी कि 39 गुणे 4 लिख सकते हैं। 39 को मैंने लिखा 13 गुणे 3 और 4 को लिखा 2 की घात 2। अब अगर मैं इसके वो देखता हूँ टोटल भाजक कितने होंगे, तो यहाँ पर पावर एक है, यहाँ एक, यानी ये 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, इसमें टोटल 12 गुणक होंगे। 240 की अगर हम बात करें, 240 को हम कैसे लिखेंगे, 240 को हमने लिखा भाई 60 गुणे 4, यानी कि 15 गुणे 4 और गुणे 4, लिख सकते हैं? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। 15 को मैंने क्या लिखा, 3 गुणे 5 और 4 चौके 16, 16 का मतलब 2 की घात 4, यहाँ पावर एक, यहाँ पावर एक, तो पावर एक जोड़ी 2 हो गया, एक जोड़ी 2 हो गया, 4 में एक जोड़ा 5 हो गया, कितना बना, 5 दूनी 10 दूनी 20, यहाँ पर 20 इसके गुणक होंगे, ठीक, दूसरे वाले में। तीसरे की बात करते हैं, 172 लिखा, 172 को कैसे लिख सकते हो भाई, 172 को कैसे लिख सकते हो? बोले सर 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 43 दूनी 86, 86 दूनी 172, ये तो लिख सकते हैं, 4 चौके 16, 1 4 तिहाई 12, तो 4 को हमने क्या लिखा, 2 की घात 2, और 43 को क्या लिखेंगे, 43 की घात 1, यानी 3 गुणे 2, यानी कि इसके टोटल भाजक कितने होंगे, 6। लास्ट वाले पर आते हैं, लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, 200 को हमने लिखा 10 की पावर 2 गुणे 2, और 10 को यानी कि 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, है ना, लिख सकते हो? तो और ये हो जाएगा 3, अब क्योंकि 2 पहले आ जाएगा, तो 3 में एक जोड़ेंगे 4, 2 में एक जोड़ेंगे 3, इसमें टोटल भाजक होंगे 12। तो सबसे ज्यादा भाजक किसमें मिल रहे हैं, बोले सर सबसे ज्यादा भाजक 20 इसमें मिल रहे हैं, जो कि 240 के हैं। तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, कि 240 वो संख्या है जिसके सर्वाधिक गुणक होंगे। बोलो ठीक है ना, अगर ये सवाल आता है पेपर में तो आपको ये पूरा करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं कि किसी सरल तरीके से हम जवाब दे दें। बात समझ में आई? बोलो ठीक है, क्या बात समझ में आई? एक तरीके से इसको और समझ सकते हो, जो संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी उसके भाजक उतने ज्यादा होते जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आंसर देना चाहते हो, तो सबसे बड़ी संख्या खोजते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या उससे वैसे भी क्या आ रही, 240, तो आंसर आप ऐसे भी दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए, ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। ठीक, 216, अगर मैं 216 की बात करता हूं, तो 216 को लिखा जा सकता है 6 की घात 3, और 6 की घात 3 का होने का मतलब 2 गुणे 3 और पावर 3। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो ये 2 की घात 3 लिखा है और 3 की घात भी 3 लिखा है। तो अगर मैं अभी देखूं कि इसके कितने गुणक है, तो 4 गुणे 4 गुणक होंगे, यानी कि 16। ये तो एक सम संख्या आ रही, कह रहा है किससे गुणा करें कि विषम हो जाए। भाई बात समझना, अगर मैं इसी में 216 में ही 6 से गुणा और कर देता, तो यहां पर जो पावर होती, जैसे मैंने कहा कि ये चीज अपने पास आई थी, अगर मैं इसी में 6 से गुणा और कर देता, ध्यान से सुनिएगा, तो 6 से गुणा करने में ये तो अपने पास बना ही रहता 216, 6 से गुणा करने में 2 गुणे 3 और हो जाता,
यस और नो। तो अब क्या हो जाता, 2 की घात 4 हो जाती और 3 की घात भी कितनी हो जाती, 4। तो 4, अब इसके टोटल अगर हमें फैक्टर देखने हैं तो 5 एक एक घात में जोड़ रहे हैं और ये 5, 5 पचम कितना मिलता, 25। यानी कि 25 जो संख्या आती वो विषम होती है। तो सवाल का जवाब जो था कि 216 में इनमें से 6 से अगर गुणा किया जाएगा, किससे, 6 से, तो हमारे पास जो गुणकों की संख्या आएगी वो विषम आएगी। ठीक, तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल जो आया योग पर आ गया कि 72 के जितने भी गुणनखंड होते हैं उनका योग कैसे है। योग निकालने के लिए आपको क्या करना, फॉर्मेट वही रखना होगा कि 2 की घात 3 बन जाएगा 72 और 3 की घात 2 बन जाएगा। योग निकालने का सबसे सरल और सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि जब आपको पूरा का योग निकालना होगा तो शुरुआत जिससे भी है ना, जहां तक पावर जा रही वहां तक तो लिखनी है, लेकिन शुरुआत 0 से करके लिखनी है। तो 2 की घात 0 से शुरुआत करेंगे, प्लस 2 की घात 1, प्लस 2 की घात 2 और प्लस 2 की घात 3। आगे नहीं लिखना है, मैक्सिमम पावर तक ही लिखना है, ब्रैकेट बंद दूसरे ब्रैकेट में। शुरुआत यहां पे भी 0 से, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये कितना है 1, ये 2, ये 4 और ये 8। यहां पर कितना है, यहां पर है 3, यानी 1 प्लस 3 और प्लस 9। तो ये कितना बना, 8 4 12 12 2 14 और 1 15 गुणे ये 9 3 12 और 1 13, ये हो जाएगा तुम्हारा 145 195। यानी कि 72 के जितने भी टोटल गुणा जाएंगे या भाजक आएंगे, अगर मैं सबको जोड़ू तो सबका योग जो आएगा वो 195 आएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 16 की घात 7, 27 की घात 6, 5 की घात 9 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। किसकी संख्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की। अब बात ध्यान से समझिएगा, अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सीधे सीधे पावर ऐड कर देते हैं, सीधे सीधे, ना कुछ जोड़ना ना घटाना। लेकिन तब जब नीचे वाली संख्याएं आपको अभाज्य दिखे तो पहले इसको और इसको अभाज्य बना लो। ठीक है, ये अभाज्य है 5, 27 और 16 को अभाज्य बनाओ। 16 को आप 2 की घात 4 लिख सकते हो, ऊपर पावर कितनी थी, 7। 27 को आप 3 की घात 3 लिख सकते हो, ऊपर पावर ऑलरेडी कितनी थी, 6। और फिर उसके बाद लिखा था 5 की घात 9, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये बन गया 2 की घात 28, ये बन जाएगा 3 की घात 18 और यहाँ पर हो गया 5 की पावर 9। अब कुछ नहीं, सिर्फ आपको पावर जोड़ देनी है, यानी कि 28 प्लस 18 प्लस 9। तो आप देखिए 18 और 9 27 हो गया, 27 प्लस 28 अगर आप जोड़ोगे तो 8 7 15 55 हो जाएगा। यानी कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी 55। ये NTPC का आया हुआ क्वेश्चन था। आपने देखा कि कोई भी रेलवे का एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन ना पूछे जाए, यानी नंबर सिस्टम के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, ये आपको 100% मैं अश्योर कर रहा हूँ। तो आप इस चैप्टर के इस टॉपिक की महत्ता को समझिए, 12 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, टॉपिक हल्का नहीं है। तो जब आप देख रहे हो इस चीज को, समझ रहे हो, तो मेरे कहने से एक बार और देख लीजिएगा बहुत बेहतर ढंग से। पहली स्लाइड को आप एक बार वीडियो को रोक कर बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हैं कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अब बस सीधी सी बात है, अब बहुत ज्यादा नहीं करना। देखिए 2 की घात 3 ये लिखा है तो 3 यहां पर आ जाएगा तो 30 आ जाएगा, प्लस 3 की पावर 2 तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा ये, और आगे मैं बात करता हूं 7 की पावर 8 तो 8 हो जाएगा। तो यहां अगर देखा जाए तो 30 और 14 = 44 + 8 अगर जोड़ा जाएगा तो 52 हो जाएगा। यानी यहां पर अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई तो भी ऑप्शन सी आएगा, लेकिन अब की बार उत्तर 52 होगा। कितना लिखा, कितना किया, सेकंडों में आंसर आने लगे। एक बार समझने की देर होती है, बाकी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो किसी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्सेप्ट को ही समराइज वे में शॉर्ट ट्रिक कहा जाता है, ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। देखिए, निम्नलिखित में से किसके गुणकों की संख्या सम होगी, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं केवल पहले ऑप्शन को उठाता हूं जो कि लिखा है 225 00, तो 225 को मैंने लिखा 15 की घात 2 और जो 00 ना उसको मैंने लिखा 10 की घात 2। लिख सकते हो, बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 की घात 2 का मतलब हो गया 3 × 5, 15 का मतलब 3 × 5 = 2 और 10 का मतलब 5 × 2 = 2। ठीक, अब देखो 3 की पावर 2 मिलेगा, 3 की पावर 2 मिलेगा, 5 की पावर 2 यहां से, 5 की पावर 2 यहां से, 5 की पावर 4 हो गया और यहां से 2 की घात 2। गुणकों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम। अब अगर इसमें हम एक एक जोड़ते हैं पावर में तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा।
अब देखिए 5 9 45 आएगा, गुणकों की संख्या क्या आ रही 45। मैं आपको क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ये अगर मैं पूछूं कि ये किसका वर्ग लिखा है तो आप कहोगे सर ये 150 का वर्ग लिखा है। तो किसी भी वर्ग संख्या में अगर कुल गुणकों की संख्या निकाली जाती है तो वो हमेशा विषम आती है, इस बात का आपको याद रखना होगा। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोले दे रहा हूं, किसी भी वर्ग संख्या के गुणकों की संख्या क्या होती है विषम आएगी। जैसे 36 ले लिया मान लीजिए, अगर मैं मान लीजिए 36 ले लेता हूं, इसके गुणकों की संख्या निकालूंगा तो 2 × 3 लिखूंगा और उसकी पावर क्या आ जाएगी, उसकी पावर आ जाएगी 3, 2 आ जाएगी, ठीक, कितनी आ जाएगी 2। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 × 3 की घात 2 हो जाएगा, तो 3 × 3 यानी कि 9 आएगा। इसी तरीके से आप अगर कोई भी वर्ग संख्या लेते हैं तो उसमें कुल भाजकों की संख्या या कुल उसके फैक्टर्स जो होंगे वो हमेशा विषम संख्या में आएंगे। तो ये भी वर्ग है जिसमें जो इसके टोटल गुणक होंगे वो कभी सम नहीं हो सकते, मतलब ये आंसर नहीं है। ये भी वर्ग है 120 का, ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी वर्ग है 160 का, ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या सर 24,000। एक चीज समझ कर आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किसकी संख्या विषम होगी। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी वर्ग संख्या अगर आती है तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा जो होंगे ऑड होंगे। अब आपसे पूछ रहा है विषम होगी तो आप सिर्फ ये चेक करो इन चारों ऑप्शन में क्या कोई जो है ऑप्शन ऐसा लिखा है जो किसी संख्या का वर्ग हो, तो कहोगे ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ये उत्तर है। बोले अगर पूछ ले किसका है तो आप कहोगे सर ये 290 का वर्ग लिखा है, 29 का वर्ग 841 और 10 का वर्ग 100। तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 84100 ग्रुप डी 10/12/2018 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आई, और होप सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस चैप्टर के इस टॉपिक को नंबर सिस्टम के इस चैप्टर जो टॉपिक है ना, ये जो आपको बताया नंबर्स ऑफ फैक्टर, इसको मैं आपको भली भांति समझा पाया हूँ। फिर से बोल दे रहा हूँ, इस प्रकार की जो शॉर्ट वीडियो की क्लासेस हैं आपको सुबह में 10 बजे मिलते हैं मैथ्स के, जो छोटे छोटे टॉपिक के इंपॉर्टेंट जो रेलवे में आने वाले लगातार क्वेश्चन होते हैं ये सुबह 10 बजे मिलता है। शाम को 4 बजे जो आपको क्लास मिलती है उसमें आपको मिक्स प्रैक्टिस सेशन भी मैं करा रहा हूँ, कुछ बहुत बढ़िया से मिक्स प्रैक्टिस सेशन भी कराता हूँ शाम को 4 बजे, और उसके साथ साथ मैं आपको इसी में चैप्टर वाइज भी करा रहा हूँ। तो इन दोनों का आनंद लेने के लिए आपको शाम को 4 बजे वाली क्लास में भी जुड़ना होगा। इस क्लास का आनंद आप ले रहे हो मुझे पता है, लेकिन इन दोनों क्लासेस को भी अगर जुड़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगली क्लास में कुछ इसी तरीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।